दोस्तों 3 महीने पहले मैंने फ्लोरेंट के बारे में एक वीडियो अपलोड किए थे और जिस वीडियो में काफी सारे किसान भाई कमेंट किए हैं और काफी सारे कमेंट का मैंने रिप्लाई भी दिए हैं और कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाए हैं, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम फ्लोरेंट के बारे में फिर से एक बार आप लोगों को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो देंगे ही, और उसके साथ साथ उस वीडियो में बाकी जो कमेंट है जिसको हमने रिप्लाई नहीं किया है उसका रिप्लाई भी हम करेंगे। और हाँ, काफी सारे किसान भाई ये भी कमेंट करते हैं कि फ्लोरेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, तो इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्लोरेंट के बारे में देंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोरेंट क्या होता है। तो फ्लोरेंट एक हार्मोन होता है जो कि हमने उस वाले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार आप लोगों को डिटेल्स में थोड़ा सा बता देते हैं कि फ्लोरेंट एक हार्मोन होता है, लेकिन पौधे में पहले से ऑलरेडी हार्मोन होता है। कभी कभी हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से भी हार्मोन को डालते हैं जिस वजह से पौधे में ज्यादा फूल खिलने को देखने को मिलता है। और फ्लोरेंट को डालने से आप लोगों को बहुत सारे सावधानियां भी रखना पड़ता है, वो हम आगे जाके आप लोगों को बताएंगे। बात कर लेते हैं फ्लोरेंट के अंदर क्या ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन दिया गया है। तो फ्लोरेंट के अंदर आप लोगों को तो बता ही रहे कि हार्मोन का एक कॉम्पोजिशन है, लेकिन पता नहीं है उसके अंदर कौन सा ऐसा हार्मोन दिया गया है और कंपनी भी उसका रिवील नहीं किया है, जिस वजह से हम भी बता नहीं पा रहे। और आप लोगों को बता देते हैं कि इसको अगर आप लोग फूल वाली फसल में प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, मिर्च, टमाटर, बैंगन, कोई भी फसल हो जिसमें फूल देखने को मिलता है, उस वाली फसल में अगर प्रयोग करते हैं तो काफी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि फूल बहुत ही ज्यादा ले आता है, फूल कभी कभी क्या होता है कि पीला होकर वो बड्स जो होता है वो गिर जाता है कभी कभी हार्मोन के वजह से, तो उस टाइम अगर आप लोग फ्लोरेंट को यूज करते हैं तो वो भी गिरने से बचाता है। उसके अलावा फूल से जो फल सेटिंग होता है उस समय फ्लोरेंट को यूज करने से वो भी काफी अच्छी तरीके से करता है, जिस वजह से ज्यादा फल बनता है पौधे में। तो इसका जो मेन काम होता है फूल और फल के लिए होता है। काफी सारे भाई ने कमेंट किए हैं कि इसको हम लोग पत्ता गोभी में, फूल गोभी में, इस तरीके से फसल में प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों का प्रयोग करने का उतना जरूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन उसमें जरूरत नहीं है तो आप लोग उसमें नहीं प्रयोग कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं फ्लोरेंट को हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि इसको हम लोग कब, कैसे, कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्लोरेंट को आप लोगों को फूल आने से पहले, यानी कि आप लोगों का वेजिटेटिव स्टेज जब होता है किसी भी पौधे का, और उसके बाद जब शुरू शुरू में फूल लगता है उस समय पर आप लोगों को पहला छिड़काव करना है फ्लोरेंट को। लेकिन हम लोग कितने मात्रा में करेंगे, तो फ्लोरेंट को आप लोगों को 1 लीटर पानी में 1 ड्रॉप प्रयोग करना है। अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर का टंकी है तो उसमें आप लोगों को 15-16 बूंद, यानी कि उसमें 15-16 ड्रॉप ही देना है, उससे ज्यादा आप लोगों को नहीं प्रयोग करना है। और अगर आप लोग उससे ज्यादा प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी क्या करता है किसान भाई ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए ज्यादा मात्रा में यूज कर देते हैं, लेकिन वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। और हाँ, काफी सारे किसान भाई ये भी कमेंट करते हैं कि फ्लोरेंट के साथ हम क्या दूसरी दवा को एक साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता देते हैं, हार्मोन जातीय जितने प्रकार की दवा होता है उसके साथ किसी भी अन्य दवा को आप लोगों को नहीं मिलाना चाहिए, यानी कि जैसे फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पीजीआर, बहुत सारे होता है, लेकिन उस हार्मोन के साथ आप लोगों को किसी भी दवा को नहीं प्रयोग करना चाहिए एक साथ में। तो फ्लोरेंट तो एक हार्मोन ही होता है, इसके साथ आप लोगों को किसी भी दवा को नहीं मिलाना चाहिए, इसको सिंगल स्प्रे कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्लोरेंट का पैकिंग साइज और प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि फ्लोरेंट का जो पैकिंग साइज होता है वो 10 ml का होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका प्राइस जो है वो काफी सस्ता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में, अगर फूल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अब फाइनली बात कर लेते हैं, जो किसान भाई सबसे ज्यादा कमेंट किए हैं कि फ्लोरेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोगों का फ्लोरेंट को जरूरत पड़ता है तो आप लोग आसपास में जो एग्रीकल्चर का दुकान होता है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, और अगर आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप लोगों को नीचे एक हम फोन नंबर डाल दे रहे हैं, इस फोन नंबर पे आप लोग आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों को फ्लोरेंट को मंगाना चाहते हैं तो आप लोग मंगा सकते हैं।
तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ एकदम क्लियर हो गया फ्लोरेन के बारे में। और फिर भी आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।